हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज भाई हम न्यूमेरिकल करेंगे डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर का। जो कल हमने डिजाइन स्टेप पढ़े थे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा ये। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले कि स्टेटमेंट में क्या क्या गिवन है हमारे पास। द मेन टाई ऑफ ए स्टील रूफ ट्रस हैज टू कैरी मैक्सिमम एक्चुअल टेंशन ऑफ 200 kN। डिजाइन ए सुटेबल सेक्शन ऑफ द मेंबर एज अकॉर्डिंग टू IS 100 गाइडलाइंस। ठीक है, कहते भी मेन टाई है जो स्टील रूफ की है, स्टील रूफ ट्रस के साथ है, जो कैरी करती है मैक्सिमम एक्सियल लोड लगा उस पर 200 kN का। हमें एक सुटेबल सेक्शन ड्रा करना है और किसको फॉलो करना है, जो मेंबर किसकी स्पेसिफिकेशन को फॉलो करेगा, इंडियन स्टैंडर्ड 800 जो कोड है वो स्टील का। ठीक है, उसकी गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। तो स्टेप नंबर वन, सबसे पहले भी परमिशेबल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस एक्सट्रेस FST 150 MPa, एक्सल लोड कितना है 200 kN। तो नेट एरिया रिक्वायर्ड नंबर वन स्टेप निकालेंगे, तो एक्सल लोड इज इक्वल टू अपॉन में FST पुट करेंगे, तो एक्सल लोड अपना 2 kN है, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करके डिवाइड कर देंगे हम किससे, 150 से। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 1333.33 mm². ठीक है, AN की वैल्यू निकल गई। अब स्टेप नंबर टू, एज्यूम टू एंगल आर टू बी प्रोवाइडेड ऑन द बोथ साइडेड आफ्टर गस्टेड प्लेट। सेलेक्टेड इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 75 × 50 × 8 mm गिव्स ग्रॉस सेक्शनल एरिया फ्रॉम द स्टील टेबल नंबर 5 इज इक्वल टू 938 mm². एरिया ऑफ द टू एंगल इज 1876 mm². अब स्टेप नंबर टू में बच्चों आपने क्या करना है कि एज्यूम कर लेंगे दो एंगल हमने प्रोवाइड करने हैं जो गर्डर के दोनों साइड में रहेंगे गस्टेड प्लेट के, और जो हमारा एंगल का सेक्शन हमने ज़ूम किया है उसका जो साइज है 75 × 50 × 8 mm का हमारा चैनल है, और इसका ग्रोस एरिया हम कैसे निकालेंगे भाई, हम स्टील स्टेबल नंबर 5 पे जाएंगे, वहां से सेक्शन देखेंगे, उसका जो ग्रोस एरिया हमें गिवन होगा 938 mm², उसका एरिया हम लिख लेंगे। ठीक है, अगर सिंगल का है तो दो एंगल के लिए इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई के लिए इसको जोड़ देंगे, या फिर इसी को 938 को 2 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास दो एंगल का एरिया निकल जाएगा। दो एंगल क्यों निकाला भाई बच्चों, क्योंकि हमने यहाँ पे दो एंगल लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेप नंबर दो हमारा खत्म होता है। अब हम आते हैं स्टेप नंबर तीन पे। हम यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि 18 mm का डाया रिविट हमने यूज करनी है एंड कनेक्शन के लिए। इस क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी रिविट का कोई डाया नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, खुद ही मान लेंगे। तो मैं यहाँ पे कितना लेके चलता हूँ, 18 लेके चलता हूँ। 18 हमारा अगर रिविट का नॉमिनल डाया हो गया बच्चों, डी हो गया, तो हमें ग्रोस डाया चाहिए। तो ग्रोस डाया DH कैसे निकलता है, हमारे पास 18 है, इसमें हम क्या जोड़ देंगे 2, तो हमारे पास 20 mm ग्रोस डाया आ जाएगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू हमारी 14 होती है, 14 से नीचे होती 12, 10, 7, 8, तो हम क्या जोड़ते हैं वहां पे 1 जोड़ता। अगर हमारी वैल्यू यहाँ 14 से ऊपर है तो हमने यहाँ पे क्या प्लस कर दिया 2। ठीक है, स्टेप नंबर 3 यहीं पे खत्म बच्चों। अब हमें नेट एरिया प्रोवाइडेड, कितना नेट एरिया प्रोवाइडेड है, तो ए ग्रोस एरिया माइनस में एरिया ऑफ द रिविट, इसको हम ये फॉर्मूला है भाई इसका नेट एरिया प्रोवाइड करने का, तो पुट कर देंगे। ग्रोस एरिया अपना निकल गया भाई जो हमारा 1876 निकला था। ठीक है, दो एंगल के लिए माइनस में एरिया ऑफ द रिविट होल, एरिया कितना है रिविट का 2 × में दो साइड में लगेंगी, तो 20 आपने ग्रोस डाय निकाला है, और टी क्या है थिकनेस आपकी एंगल की। ठीक है, तो उसको सोल्व करेंगे, AN हमारे पास कितना निकल गया भाई 1556 mm². ठीक है भाई, एरिया ऑफ द सेक्शन प्रोवाइडेड इज मोर देन रिक्वायर्ड एज द सेक्शन इज सेफ। कहते हैं कि जो हमारा एरिया ऑफ सेक्शन है बच्चों वो ज्यादा है जो हमें रिक्वायर्ड है, तो हमारा सेक्शन क्या है, सेफ है। ठीक है, हमें रिक्वायर्ड कितना था भाई, हमें 1333 रिक्वायर्ड था, बट हमारे पास निकला कितना है, पहले एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं 1556, तो ऑब्वियस ही बात है हमारा डिजाइन क्या है, यहां तक हमारा क्वेश्चन ठीक है, हमारा सेक्शन सेफ है। अब स्टेप नंबर 5 पे आते हैं बच्चों, हमें निकालनी होती है एक्चुअल स्ट्रेंथ जो है सिलेक्टेड सेक्शन की। अब आपने जो सेक्शन सिलेक्ट किया है, यहाँ पे मैंने IS से लिया ना, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल का सेक्शन है 75 × 50 × 8 का, कि उसमें भी कुछ स्ट्रेंथ है या नहीं, तो उसको चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास नेट सेक्शन एरिया निकला था प्रोवाइड किया था मैंने, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किसके साथ भाई, मैं उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 150 के साथ। तो मेरे पास इसका फॉर्मूला था स्ट्रेंथ का, AN × FST, पहले भी किया होता है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाती है 233.34 N जो ग्रेटर है मेरी 202 lakh N से। ठीक है, तो भाई ठीक है, हमारी अगर वैल्यू सेफ है तो ये भी हमारा ठीक है। अब स्टेप नंबर 6 पे चलते हैं, डिजाइन करना है हमें जो एंड सेक्शन होते हैं, डिजाइन करने के लिए एंड सेक्शन के लिए हम क्या निकाल लेंगे, जो स्ट्रेंथ होती है रिविट की डबल शीयर के अंदर। ठीक है, अगर सिंगल शीयर की बात होती तो बच्चों हम सिंगल की निकाल लेते, सिंगल से निकालने के बाद उसको हम 2 से गुणा कर देते तो हमारी डबल शीयर की वैल्यू निकल जाती।
कल हमने सिंगल सीयर का क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला था 2 × π/4 × d² h × τ a b। टाउ ए बी की वैल्यू 108 Nm/mm², कन्फ्यूज मत होना बेटे, टेबल में दी होती है वैल्यू ये भी, तो पुट करेंगे भी इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास निकल जाएगी 67,824 न्यूटन। ठीक है, स्ट्रेंथ निकालनी है हमने डबल शेयर के केस में। अब हमें निकालनी है स्ट्रेंथ जो मेरी रिवीट की है बेयरिंग के अंदर। ठीक है, अभी इसका फॉर्मूला होता है डी एच इंटू में टी इंटू में एफ ए पी। ठीक है, अभी टाउ ए बी और एफ ए बी आपको, एफ ए बी की वैल्यू 270 है बच्चों, सब टेबल में अगर आप क्वेश्चन करेंगे इसके प्रैक्टिस करेंगे तो आप इनके आदि हो जाओगे, तो आपको टेबल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, डी एच की वैल्यू भाई निकाली थी 20, टी थिकनेस हमारे पास कितनी है 8, पुट करेंगे फॉर्मूले में तो हमारे पास जो वैल्यू निकल जाएगी वो निकल जाएगी 43,200 न्यूटन। ठीक है, तो भाई हमने डिजाइन करना था एंड कनेक्शन के लिए, स्ट्रेंथ निकाली डबल शेयर के केस में, रिवेट बियरिंग की। अब हमें रिवेट वैल्यू कौन सी लेते हैं और बी की जो हमारी लीस्ट होती है, जो हमें कल मिली थी लीस्ट, इन दोनों में से कौन से, तो इन दोनों में से कम है मेरे पास ये संख्या है। तो अब मेरे को कितनी रिवेट चाहिए कनेक्शन करने के लिए, तो मेरे डिजाइन पुल कितना है मेरे पास, रिवेट की वैल्यू कितनी है, जो पुल है भैया मेरे पास 200,000 न्यूटन है, डिवाइड कर दूंगा मैं किससे, जो मेरी लीस्ट वैल्यू है, तो मेरे पास 4.62 आ जाएंगे, तो मैं इनको 5 रिवेट ले लूंगा। ठीक है भाई, अब द रिवेट आर प्रोवाइडेड अलोंग द गेज लाइन 40 mm फ्रॉम द रूट टेबल 4.6 एट 160 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, टेबल नंबर 4.2 जो बुक में दे रखी है उसमें जाना है हमें, पेपर में बुक नहीं मिलेगी आपको, पेपर में आपको आईएस कोड मिलेगा, स्टील टेबल मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास गस्टेड प्लेट दे रखी है, अब इसको जोड़ना कैसे है बच्चों देखो गस्टेड प्लेट होगी, ये सारे जो वैल्यू बैठे हमने टेबल से ले लेनी है। ठीक है, आपके पास 18 mm की रिवेट लगी हुई है, 200 किलो में पुल लगा हुआ है, ये मेरी इधर गस्टेड प्लेट है, इसको कनेक्ट करने के लिए जो मैंने रिवेट लगाई है ये। ठीक है भाई, आई एस ए जो आपका 75 × 15 × 8 का रहेगा। ठीक है, ये तो था इसका सेक्शन ड्रा कर दिया आपने, फॉर द सेक्शन सिलेक्टेड ओनली सिंगल रोफ रिवेट, चलो सी अगर सिंगल के लिए लेना है तो बेटे आप कहाँ पे जाएंगे, हम टेबल नंबर 4.2 में जाके चेक कर लेंगे। अब एक नोट दे रखा है इम्पोर्टेंट है भाई जिस क्वेश्चन में, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है बच्चों। ठीक है, इन क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप जल्दी इनको पेपर में आसानी से सोल्व कर पाओगे, ऐसे नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन। इफ द नंबर ऑफ द रिवेट टू बी प्रोवाइडेड इन चेंज रिवेटिंग मेक द लेंथ ऑफ द कनेक्शन टू लार्ज, ये कहता है कि अगर हमारे पास जो रिवेट है हमने प्रोवाइड कर रखी है चेंज रिवेटिंग के अंदर, तो हमारे पास लेंथ है जो वो बढ़ जाएगी, और सेम को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं चेंज रिवेटिंग केस में, तो ये मेरी बढ़ जाएंगे कनेक्शन लार्ज हो जाएंगे, अगर मेरे को रिड्यूस करना है इनका तो हम क्या करेंगे, लग साइज यूज करेंगे, जिग जग रिवेटिंग का यूज करेंगे, जिसके अंदर जिग जग रिवेटिंग के अंदर बेटे डायमेंशन होते हैं कनेक्टेड लेग की, परमिट करती है हमें, जिससे हम दो रिवेट होते हैं रिवेट की, रिवेट आइस की, उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं लेग के साथ कितने पे 100 mm या उससे ज्यादा पे, और जो पिच होती है हमारी रिवेट की उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास एक फॉलोइंग रिलेशन है, ये फॉर्मूला भाई देखो, b माइनस में n इंटू में d प्लस में n डैश इंटू में p का स्क्वायर s डिवाइड बाय में 4g ब्रैकेट क्लोज इंटू में t इज इक्वल टू b माइनस में dh ब्रैकेट क्लोज इंटू में t। n क्या रहेगा नंबर ऑफ रिवेट मेरी जिग जैग लाइन के केस में रहेगी, n डैश क्या रहेगा नंबर ऑफ मेरा गेज डिस्टेंस रहेगा, आपने देखना है कि चेन रिवेटिंग है भाई या फिर जिग जैग है। ठीक है,